कबीरा कुआ एक है, पानी भरे अनेक, भांडे ही में भेद है, पानी सब में एक। कुछ ऐसा ही है हमारा भारत देश, जहाँ लोग अनेक हैं, सोच अनेक है, अनेक है भाषाएं जहाँ, अलग अलग रीति रिवाजों से बनता एक गुलिस्ता वहाँ, जहाँ अलग अलग त्योहारों को सब मिलकर ही मनाते हैं, और खुशियाँ सारी बांटने को एक दूसरे को गले लगाते हैं, और खुशियाँ सारी बांटने को एक दूसरे को गले लगाते हैं। देखना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ चलते हैं एक रंगों भरे सफर पर, जो हमें दिखलाएगा कि कैसे हमारा देश इतनी विभिन्नताओं के बाद भी एक डोर में बंधा हुआ है। अरे सुनो, सारी पैकिंग हो गई क्या? हाँ हो गई। पक्का? कुछ भूले तो नहीं ना? सामान तो कुछ नहीं भूला, पर एक इम्पोर्टेंट बात भूल रहा हूँ। इम्पोर्टेंट बात? कैसी इम्पोर्टेंट बात? यही कि हम हमारे मेहमानों से तो मिले ही नहीं, जिन्हें हम हमारे साथ भारत भ्रमण के सफर पर ले जाने वाले थे। अरे हाँ, ये हम कैसे भूल गए। तो चलो पहले हमारे मेहमानों से रूबरू हो लेते हैं। हेलो। नमस्ते। आदाब। सत श्री अकाल। केम छो? कसा काय? वड़कम। खम्मा घणी। कैसे हैं आप लोग? तो तैयार हैं हमारे साथ चलने के लिए एक ऐसे सफर में, जहां हम आपको दिखाएंगे हमारे देश के अलग अलग राज्य और वहां की संस्कृति। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जम्मू कश्मीर को जाने वाली CIS एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ चुकी है। आप सभी से निवेदन है अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हम इस सफर के पहले पड़ाव पर आ चुके हैं। अगला स्टेशन जम्मू कश्मीर। पहाड़ों के जिस्मों पे बर्फों की चादर, चिनारों के पत्तों पे शबनम के बिस्तर, हसी वादियों में महकती है केसर, कहीं झिलमिलाते हैं झीलों के जेवर, है कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर। आदाब, खुशामदीद, स्वागत है आपका जमीन पर बनी एक ऐसी जन्नत में जिसे हम हिंदुस्तान का ताज कहते हैं। हिंदुस्तान का ताज? पर वो क्यों? वो इसलिए कि सूरज की पहली किरण जब इन बर्फीले पहाड़ों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो हमारी भारत माता ने सोने का ताज पहना हो। अच्छा, और क्या क्या खास है यहाँ पर? जितनी मिठास यहाँ के सेबों में है उतनी ही मिठास यहाँ के लोगों में भी है। चलिए दिखाते हैं आपको। Okay.
बरस का सावन, विस्या विस्या बलवस बान, मस्ती के हम तो राग गाएंगे, हम खुशियां रब से मांग लाएंगे, बिखरे सुरों से गीत मनाकर, टूटे हुए खाबों को सजाकर, झूमरे झूमो झूमरो, घूमरो घूमरो, घूमरो घूमरो, शाम रंग घूमरो घूमरो घूमरो, शाम रंग घूमरो, कैसी चक्सो तालानो, हो हो हो, घूमरो घूमरो, शाम रंग रवाना होने वाली है। आप सभी से निवेदन है अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। अच्छा हुआ हम टाइम पे आ गए, वरना ट्रेन छूट जाती। वैसे अगला स्टॉपेज कौन सा है? अगला स्टॉपेज वो है जहाँ आजादी की लड़ाई की शुरुआत हुई थी। अच्छा, और क्या क्या खास है वहाँ पे? सब कुछ यही बता दूं या वहाँ जाकर भी कुछ देखना है? ठीक है बाबा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, CIS एक्सप्रेस अपने अगले स्टेशन वेस्ट बेंगलोर में आ चुकी है। প্রজাপতি নাচি নাচি ঘুরি ঘুরি উড়ি উড়ি উড়ে যায় মন হারানোর ঠিকানায় ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায় রঙ্গিনি বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায় ফাগুনের মোহনায় চাই গাছ মোর জয়রাম ফুলিছে কাঁচা কাঁচা পাত বারে 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 জয়রাম কিনে নজর চলি যায় বারে বারে জয়রাম কে মোর দেখেলে মন যায় উখ উখ সিরিছে নিচে চাই গাছ মোর জয়রাম ফুলিছে কাঁচা কাঁচা পাত বারে বারে জয়রাম কিনে চলে যাই
दीदी भालो लागलो मतलब मतलब कि दीदी अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा अरे ये तो कुछ भी नहीं है आशुन हम आपको बताता है बंगाल के हर मानुष कैसे पूरी दुनिया को भालो बासता है माने कि लव करता है सब टुक ढेले दिए जा ए जल माटी हवा देखावे बंगला भीड़ेर शरीर में सब बृष्टिर घाम चोखेर गभीरे रेखा नील डाकना एखाने मानुष फेरे मानुषे প্রতিদিন বেঁচে থাকা বাজার গরজে জীবনের উৎসব রোজ রাস্তা দেখা হবে দেখা হবে দেখা হবে এই বাংলা কৃপয়া ধ্যান দে সিআইএস এক্সপ্রেস আপনি আগলে স্টেশন কে লিয়ে রওনা হোনে ওয়ালি হ্যায় आप सभी से निवेदन है अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। अच्छा बताओ अगला स्टेशन कौन सा होने वाला है अरे बाबा वो मुझे कैसे पता होगा अच्छा ठीक है चलो मैं तुमसे एक पहेली पूछता हूँ उसी के जवाब में हमारे अगले स्टेशन का नाम है ठीक है कथकली और मोहिनीअट्टम नृत्य प्रांत की ऊंची शान शिक्षा क्षेत्र में सबसे आगे बनी राष्ट्र में है पहचान बताओ क्या है मेरा नाम क्या है अरे हाँ केरला यात्रियों कृपया ध्यान दें सीआईएस एक्सप्रेस अपने अगले स्टेशन केरल पे आ चुकी है halamte habibu halamte habi vandale halamte habibu halamte habi vanda halamte habibu halamte habi vandale halamte habibu halamte habibu కోని చెడు వీరు మెరిసినట్టు బొట్లం కట్టిన బిర్యానీకి బొట్టు బిల్ల పెట్టినట్టు బంగ్లా మీద నిలుసోనుందిరో ఓ సంద మావ సుఖదాగక శక్కరొచ్చెర్రు శ్రీమంద మావ చిక్క లెక్క దుంకుతుంటెరో ఆ సంద మావ చుంకి జారి సిక్కుకుందిరు నాదిల్లుకు మావ రాములో రాములా నన్నాగం చేసింది రో రాములో రాములా నా పానం తీసింది రో రాములో రాములా నన్నాగం చేసింది రో రాములో రాములా నా పానం తీసింది రో రాములో రాములా నన్నాగం చేసింది రో రాములో రాములా నా
మతానం తీసింది రో. रवाना होने वाली है. आप सभी से निवेदन है अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं. अरे सुनो, जरा खिड़की से बाहर तो देखो, हम कौन सी जगह जा रहे हैं. फीलिंग तो इंडिया जैसी आ रही है, पर इंडिया जैसा नहीं लग रहा. अरे वो इसलिए क्योंकि यहाँ सालों पहले पोर्टुगीज और डच लोगों का राज होता था. इसे हम गोवा के नाम से जानते हैं. अच्छा, तभी मैं कहूँ ये फॉरेन जैसा क्यों लग रहा है. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सीआईएस एक्सप्रेस अपने अगले स्टेशन गोवा पे आ चुकी है. Far, far, satay ranam tu, far, far.
राखी। CIS एक्सप्रेस अपने अगले स्टेशन के लिए रवाना होने वाली है। आप सभी से निवेदन है अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। वैसे तुम्हें एक बात पता है? कौन सी बात? वही कि हमारा देश अंग्रेजों से पहले भी गुलाम ही था। हाँ, पर क्या तुम्हें ये बात पता है कि उस समय भी एक ऐसी महान शख्सियत थी जिसके आगे सारे दुश्मन अपने घुटने टेक देते थे? अरे हाँ, और हम तो उन्हीं की भूमि पर जा रहे हैं। तो एक बार उन्हीं को याद करके लगाएं हुंकार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, CIS एक्सप्रेस अपने अगले स्टेशन महाराष्ट्र पर आ चुकी है। दुश्मन जळ वर ढगाला लागली कळ पाणी थेंब 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 रवाना होने वाली है। आप सभी से निवेदन है अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। अरे बाबा, थोड़ा धीरे धीरे खा लो, ऐसी भी क्या जल्दी है। अरे भाई, काफी सालों बाद इतना बढ़िया ढोकला खाया। अच्छा, और जो मैं बनाती थी आपके लिए? वो भी अच्छे ही होते हैं, पर इसकी बात कुछ तुम रहने दो। बाबा, जहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है वहाँ तुम हमारी यूनिटी क्यों तोड़ रही हो? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? हाँ, दुनिया का सबसे ऊंचा मॉन्यूमेंट है जो हमारे देश की यूनिटी का प्रतीक है।
पर कभी ऐसा सोचा था कि इतने भीषण भूकंप के बाद गुजरात वापस खड़ा हो पाएगा? यही तो खासियत है हम हिंदुस्तानियों की, हर मुश्किल का सामना सीना ठोक कर करते हैं। चलो चलो, स्टेशन आ गया। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, CIS एक्सप्रेस अपने अगले स्टेशन गुजरात पे आ चुकी है। जादुई मंत्रों का इस्तेमाल करके इसे बनाया है। और तुम्हें भला ऐसा क्यों लगता है? तुम खुद ही देख लो, एक तरफ गोवा है जहाँ की इमारतें भारतीय लगती ही नहीं, और दूसरी तरफ है राजस्थान जहाँ की खूबसूरत हवेलियाँ देखकर ऐसा लगता है जैसे हम इंद्रधनुष के रंगों में जी रहे हों। इतना ही नहीं, यूँ तो हम राजस्थान को रेगिस्तान के तौर पर जानते हैं, पर झीलों का शहर भी यहीं पर है। और हाँ, राजस्थान क्षेत्रफल में हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। इसके नाम को ही देख लो, राजस्थान यानी कि राजाओं का स्थान। तभी मैं सोचूं मुझे राजाओं वाली फीलिंग क्यों आ रही है।
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, CIS एक्सप्रेस अपने अगले स्टेशन राजस्थान पे आ चुकी है। अजी सुनो हो के हो गयो भगवान? खड़े हो लियो, पावना आया है, वाका स्वागत में चालनो है। आयो आयो, राम राम सा, खम्बा गनीसा, धोरारी धरती में थारो स्वागत है। आओ थाने दिखावा राजस्थान री संस्कृति और मारे पुरखारी विरासत। भाई जी पट्टी पाड़े बावड़ो, भाई जी स्कूल जावे बावड़ो, भाई जी छल छबीलो बावड़ो, भाई जी खटपट बोले बावड़ो। रेलगाड़ी आई बाबूजी बैठा जाई, रेलगाड़ी आई बाबूजी बैठा जाई, बाबूजी थारे देश में रेलगाड़ी आई, बाबूजी थारे देश में रेलगाड़ी आई। ओ रेलगाड़ी आई बाबूजी बैठा जाई, रेलगाड़ी आई बाबूजी बैठा जाई, बाबूजी थारे देश में रेलगाड़ी आई, बाबूजी थारे देश में रेलगाड़ी आई। क्या है? कुछ नहीं, बस भांगड़ा करने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो क्यों भला? वो इसलिए क्योंकि अब हम जिस राज्य में जाने वाले हैं वहाँ के नृत्य में भांगड़ा और खाने में मक्के दी रोटी और सरसों का साग फेमस है। मैं समझ गई, अब हम पंजाब जाने वाले हैं। मेरे साथ रह रहकर तुम भी समझदार हो गई हो। पंजाब पे आ चुकी है। यो 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 यो, करनौजला
heavy. Yari, no baby. ਉਹ ਸ਼ੂਵਰ ਸੱਚ ਜਟਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਕੰਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀ ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਫੁੱਲ ਦਲੇਰਾ ਸੱਤ ਦੇ ਨਾਲੀਆਂ ਨੀ ਉਹ ਸ਼ੂਵਰ ਸੱਚ ਜਟਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਕੰਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀ ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਫੁੱਲ ਦਲੇਰਾ ਸੱਤ ਦੇ ਨਾਲੀਆਂ ਨੀ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਪੱਟ ਹੋਣੀਏ ਜੱਟ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਪੱਟ ਹੋਣੀਏ ਜੱਟ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਰਾਊਨ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀ ਲਗਾਇਆ ਸੱਦਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਚੰਦ ਮੁਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ ਰਿਸ਼ਮਾ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਮਾ ਨੇ ਦੂਦਿਆ ਜੇ ਪਾਈ ਸੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਮਾਰੀ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਜਹਾਨ ਸੀ ਚਾਨਣੀ ਨੇ ਪੁੰਨਿਆ ਤੇ ਜਲਸਾ ਲਗਾਇਆ ਰੰਗ ਦਾ ਤਵੀਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੀਤ ਨੀ ਤੂੰ ਮਾਹੀ ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਤਵੀਤ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੀਤ ਨੀ ਤੂੰ ਮਾਹੀ ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਹੋਵੇ ਸੱਚੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਲੋਕੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਨਵਾਜ ਦੇ ਜਲਸਾ ਲਗਾਇਆ ਸੱਦਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਚੰਦ ਮੁਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੁਝਮੇ ਹੌਸਲਾ ਤੇਰੇ ਜੁਨੂ ਕੇ ਆਗੇ ਅੰਬਰ ਪਨਾਹੇ ਮਾਂਗੇ ਕਰ ਡਾਲ ਤੂੰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਰੂਠੀ ਤਕਦੀਰੇ ਤੋ ਕਿਆ ਟੂਟੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਤੋ ਕਿਆ ਟੂਟੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੋ ਸੇ ਹੀ
सारी जान मैं कुछ बेवार ना, सौ वारी जान मैं तेरे कुर्बान मेरी माँ। बड़ी हम उसे बस दो कदम पे देखो जीत खड़ी, हम मुझे कब से इंतजार था आज की शाम का, अब देखो क्या करता है ये बंदा हिंदुस्तान का, जो किसी के भी आगे झुका नहीं, हाँ मैं हूँ उस देश का। तू बैठ के ले नजारा स्ट्रैबल और बेस का, सीधा चलू या चलू ढाई ढाई चाल, मैं खेल मेरा होगा ये देख लंबी रेस का। मिट्टी का कर्ज है मैं मर के भी चुकाऊंगा, तुझे मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा, जो भी कहा था मैं वो करके दिखाऊंगा, इंडिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मैं जम के पकड़ झाड़ दूंगा, हिचको मैं उखाड़ दूंगा, जहाँ से तू आया है ना वही तुझे गाड़ दूंगा, तेरी जमीन पे आज तुझे ही पछाड़ दूंगा, झंडा इंडिया का बेटे गाड़ दूंगा। इस देश की शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। इंडिया